रिकॉर्ड। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेक्टेटर क्लब, इट्स अ ब्यूटीफुल एसे ऑफ रिचर्ड स्टील। कल हम इस पे बात कर रहे थे, लेकिन यू विल कम टू नो कि ड्यू टू द पुअर कनेक्टिविटी आई कुड नॉट कंप्लीट दिस लेक्चर। अगेन द सेम टॉपिक, यू कैन से कि सेम लेक्चर अगेन आई एम गोइंग टू डिलीवर। And in this lecture, I will tell you ki how prose developed in the 18th century, what was the contribution of Richard Steele, and how Richard Steele was associated with Joseph Addison. ये दो तीन पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे आ सकते हैं, बिकॉज द सिलेबस इज इफ आई से कि काफी वाइड है, तो देर इज नो एग्जैजरेशन दिस स्टेटमेंट। इवन यू विल कम टू नो कि बेकन की चार एसेज के, पांच एसेज के आसपास पढ़ लिए थे, और एक अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, और जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील भी किसी ना किसी तरह से वहाँ पे है। तो इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू कि रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, 18th सेंचुरी प्रोज, इन सबको लेके बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देखने के लायक है कि जब आप 18th सेंचुरी प्रोज की बात करते हैं और जोसेफ एडिशन की बात करते हैं या रिचर्ड स्टील की बात करते हैं, तो ये जो टाइम शुरू होता है वो करीब करीब ऑगस्टन एज का टाइम है। ऑगस्टन एज अगर आपको याद होगा तो ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 टू 1745, अगर आपको याद होगा जो ऑगस्टन एज का पीरियड है, जो ऑगस्टन एज का समय है, वो 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक रहा है। एंड इन दिस पीरियड यू विल कम टू नो कि द लीडिंग पोएट वाज हु, द लीडिंग पोएट वाज अलेक्जेंडर पोप। ऑगस्टन एज के जो लीडिंग पोएट थे वो अलेक्जेंडर पोप रहे। अलेक्जेंडर पोप वाज द लीडिंग पोएट, एंड अलेक्जेंडर पोप के नाम पर इस एज का नाम ऑगस्टन एज भी पड़ा था, या ऑगस्टन एज रखा गया। तो when means we go with these writers, when we go with this age, Augustan age or age of Alexander Pope, it's very important to know ki what was the condition of literature, how literature bloomed, how did it flourish. These things we have to keep in our mind. One thing I want to tell you, when I talk about especially literature of the 18th century, 18th shatabdi ke, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि वॉज इट फेमस फॉर पोइट्री, वॉज इट फेमस फॉर ड्रामा, वॉज इट फेमस फॉर प्रोज। तो जो 18th सेंचुरी है स्पेशली वह प्रोज के लिए फेमस है। इवन पोइट्री में भी आपको प्रोजाइक एलिमेंट नजर आएगा। द ब्यूटी ऑफ प्रोज यू फाइंड इन पोइट्री ऑफ दैट इरा, ऑफ दैट एज। इसीलिए मैथ्यू अर्नॉल्ड ने इस एज को, 18th सेंचुरी को, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैथ्यू अर्नॉल्ड ने इस एज को, किस एज को, जिस एज की हम लोग बात कर रहे हैं, इस एज को उन्होंने द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। अगर हम किसी चीज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कह रहे हैं, तो रिमेम्बर दैट इट मीन्स दैट कि उस एज में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का कल्टीवेशन हुआ, ब्लूमिंग हुआ, या आप कह सकते हैं कि फ्लारिशिंग हुआ, तो दैट वॉज द प्रोज एंड रीजन। जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल है, जो ओरिजिन ऑफ द नॉवेल है, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रही है, वे सब की सब अगर आप देखेंगे कि प्रोज में ही रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पोइट्री में भी प्रोजाइक एलिमेंट नजर आता है। कैसे नजर आता है? इफ यू टेक द पोयम ऑफ अलेक्जेंडर पोप, अगर आप अलेक्जेंडर पोप की पोयम को ले, यू विल कम टू नो कि अलेक्जेंडर पोप की जो पोयम है, वेदर दैट इज एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एंड इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, इफ यू टेक डल्सियार्ड, इफ यू टेक द रेप ऑफ द लॉक, वट एवर द पोयम यू फाइंड कि इन दोज पोयम देर इज द यूज ऑफ वट, देर इज द यूज ऑफ आयरनी, सटायर, विट, या यू कैन से कि जितनी भी इस तरह की चीजें हम पाते हैं कि आयरनी का यूज है, सटायर का यूज है,
विट का यूज है, मैनर्स का यूज है, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस की बात की जा रही है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। इवन जो ड्रामा आता है इस एज में, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, वी फाइंड दैट आल्सो कि इस एज में ड्रामा भी सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में आता है, जिसमें शी स्टूप्स टू कांकर बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ, इवन रिचर्ड स्टील ने भी सेंटिमेंटल कॉमेडीज वगैरह लिखे हुए हैं, और शी स्टूप्स टू कांकर बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, और स्कूल फॉर स्कैंडल भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस एज की हम बात कर रहे हैं, खास करके फ्रॉम 1700 टू 1745, 1700 से लेकर 1745 तक जिस एज की हम बात कर रहे हैं, वह एज एक ऐसा एज था जहाँ पे पोइट्री भी है, जहाँ पे ड्रामा भी है, और जहाँ पे नॉवेल का भी डेवलपमेंट होता है, खास करके जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल रहा है, पिकरेस्क नॉवेल, वो चीज किसी न किसी रूप में शुरू होता है। लेकिन ये सब चीजें अगर आप देखेंगे कि जैसे ड्रामा एलिजाबेथन एज में डेवलप हुआ जिस तरह से, वैसा ड्रामा यू डोंट फाइंड इन ऑगस्टन एज आर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। जैसी पोइट्री आप रोमांटिक एज में देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जॉन कीट्स का, पीबी शेली का, दैट टाइप ऑफ पोयम या दैट टाइप ऑफ पोइट्री यू डोंट फाइंड ड्यूरिंग ऑगस्टन एज या ड्यूरिंग यू कैन से द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या इन दिस पीरियड। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, थोड़ा सा पोइट्री है, थोड़ा सा ड्रामा भी है, अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वो क्या है, प्रोज है। मैं हल्का सा उस एज की बैकग्राउंड आपको बताया कि जब भी आप रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन की बात करेंगे तो केवल उन्हीं पर बात करके हमें नहीं रुकना पड़ेगा, उनके अलावा उस एज की जो सिचुएशन थी, उस एज की जो कंडीशन थी, हमें उधर से चलना चाहिए, उधर हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या क्या चीजें रही हैं उस एज में कि जो 18 सेंचुरी है, जिसे आप 1700 से मानते हैं कि 1700 का मतलब 18 सेंचुरी की शुरुआत 1701 ईस्वी से, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ऑगस्टन एज आर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप यू फाइंड इट फ्रॉम 1700 टू 1745। अभी यहीं तक बात करना है कि 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, 1700 से 1745 तक में क्या हुआ था, क्यों, क्योंकि रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन इसी एज में आते हैं, इसी के दरमियान आते हैं और उन्हीं को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि यह जो एज रहा है, इस एज को हम ऑगस्टन एज कहते हैं। ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया था, रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर क्यों रखा गया, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने जो है उस समय की जो क्लासिक जो पैटर्न था कि टू राइट द पोयम, जो क्लासिक पैटर्न था कि उस एज के जो पोयर्स थे, उन सारे लोगों की जो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स था, वे ऑफ राइटिंग थी, दैट वाज इमिटेटेड बाय हूम, बाय अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स। अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने उसको बखूबी इमिटेट किया, उसकी नकल की, तब उसके बाद जो है क्या करते हैं कि एक नए ढंग से क्लासिक पैटर्न पर अपने एज को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस एज को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। नियो माने नया, जो क्लासिक पैटर्न पर एक नए ढंग से लिखा गया। इस एज में क्या क्या चीजें आई हुई है, सटायर है, आयरनी है, हीरोइक कपलेट है, एरिस्टोक्रेटिक मैनर आप कह सकते हैं, या एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, पब की बात है, रेस्तरा की बात है, होटल की बात है, कुछ इस तरह का कल्चर, काफी हाउस का आना हो जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात है, जो मानव स्वभाव है वह खास करके पोइट्री में नजर आती है। किसकी पोइट्री में, इन द पोइट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप, वेदर दैट इज एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ द लॉ, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, या आप कह सकते हैं कि डंसियाट, व्हाट आर द पोएम ऑफ पोप यू टेक, यू विल फाइंड कि ये सारी चीजें सजा करके खूबसूरत ढंग से वहाँ प्रेजेंट की जाती है। ड्रामा में मैंने बताया कि 1700 से 1745 ईस्वी के बीच में दो तरह का ड्रामा देखने को मिलता है,
एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल कॉमेडी। सेंटीमेंटल कॉमेडी किसके खिलाफ आई थी? अगर आप देखेंगे कि कॉमेडी ऑफ माइनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी के खिलाफ आई थी, वो सेंटीमेंटल कॉमेडी के बड़े राइटर रिचर्ड स्टील है। इसीलिए मैं बता दूं कि स्टील को पढ़ने का मतलब केवल उनके प्रोज की बात करने से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सेंटीमेंटल कॉमेडी के सबसे बड़े राइटर रिचर्ड स्टील रहे हैं, वहां पे हमें ये ध्यान में रखना है। तीसरा चीज, जब आप एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी की बात करते हैं, जिसमें मिडिल क्लास की लाइफ हो, जिसमें लग्जूरियस लाइफ, लस्ट, पैशन और समथिंग बैक बाइटिंग, मांगरिंग, स्कैंडलिंग और वो प्रोजाइक लैंग्वेज, आयरनी, सटायर, वीट, इस तरह की चीजों की जो आप देखते हैं, लाइक ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज, ये एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी में देखने को मिलता है। लेकिन यह जो देखने को मिलेगा, ये काम किसके खिलाफ आया था? सेंटीमेंटल के खिलाफ आया था। और दो बड़े राइटर, एक तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का शीज टू कांकर और शेरिडान का स्कूल फॉर स्टैंड, शेरिडान, SHERIDAN, शेरिडान ने स्कूल फॉर स्कैंडल लिखा था, और उस स्कूल फॉर स्कैंडल में उन्होंने काफी क्रिटिसाइज, मतलब उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट मैटर लेकर के दिखाए। अब एक चीज ये होता है कि पोइट्री की बात हो गई, ड्रामा की बात हो गई, नॉवेल की क्या कंडीशन है? 1700 से 1745 के बीच में, पूरा 18 सेंचुरी नहीं, केवल अगस्त में। नॉवेल में बहुत ज्यादा काम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल ये जो है लगभग इसी समय आना शुरू होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पामेला का, जो पामेला सैमुअल रिचर्डसन का जो पामेला है, या हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, सब 1740 और 42 के आसपास। और अगस्टन एज कब तक चल रहा है? अब तक 45 तक जा रहा है। तो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल की भी झलक आपको इसी एज में देखने को मिलती है। यहाँ पे ये भी चीज ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि नॉवेल में पिकरेस्क नॉवेल, गॉथिक नॉवेल के एलिमेंट्स भी नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई चीज नजर आती है, तो कौन सी चीज है वो आप देखेंगे कि गॉथिक नॉवेल और पिकरेस्क नॉवेल के अलावा उस समय क्या कि समाज को, इफ यू फाइंड कि एनी लिटरेरी जानरा डिस्क्राइब्स, नरेट्स, टेल्स, दैट इज द प्रोज ऑफ दैट एज, उस एज का प्रोज ही उसके बारे में ज्यादातर बात करता है। इन्हीं सारी सिचुएशंस को देख करके मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा था कि 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इट वॉज सेड बाई हु? इट वॉज सेड बाई मैथ्यू अर्नॉल्ड। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा कि जो 18वीं शताब्दी रही है, यह 18वीं शताब्दी क्या थी? द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन रहा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो कैसे प्रोज एंड रीजन था? क्योंकि नॉवेल भी प्रोज में लिखा जा रहा है, पोइट्री में भी प्रोज की क्वालिटी नजर आ रही है, उस समय के ड्रामा में भी प्रोज की क्वालिटी नजर आ रही है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। और इसी एज में एक जो चीज ध्यान में रखने लायक है कि एक और तरह की पोयम नजर आती है, दैट वॉज द प्री रोमांटिक पोइट्री, जो जेम्स टॉमसन के द सीजन से शुरू होता है, जो 1726 में लिखना शुरू किए और 1730 में जाके कंप्लीट होती है। तो जेम्स टॉमसन का द सीजन और आपका टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज, विलियम कॉलिंस का ओ टू इवनिंग, वेन यू गो विद दीज पॉइंट्स यू विल कम टू नो कि यह जो एज था, ऐसा लगता है कि बहुत ट्रांजिटरी पीरियड था। एक दौर से निकल रहा है, एक दौर को फॉलो कर रहा है और किसी दूसरे दौर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं या हम पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाई रिचर्ड स्टील, वाई जोसेफ एडिशन? रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन इंग्लिश प्रोज के टू ग्रेट पिलर्स है। दे आर द टू ग्रेट पिलर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज ऑफ 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी के टू ग्रेट पिलर्स है। वाई आर द टू ग्रेट, वाई आर दे टू ग्रेट पिलर्स? क्योंकि इन दोनों लोगों ने इंग्लिश प्रोज को उस ऊंचाई पर ले गए, उस मुकाम पे ले गए जो कि आसान नहीं। जैसे सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो जर्नल निकाला। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने दो जर्नल निकाला और उस जर्नल का नाम क्या है? द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर, द टैटलर आर द स्पेक्टेटर।
उसका TATLER, द टैटलर, और दूसरा क्या था, द स्पेक्टेटर, दो जर्नल निकालते हैं। मुझे जहां तक याद है कि शायद द स्पेक्टेटर की डेट जो है 1709 से 1711 है, और द टैटलर की डेट 1711 से 1714 है। एक बार आपको इसको ध्यान से देख लेना है, हो सकता है कि मैं इधर का उधर बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, पहले द स्पेक्टेटर आया कि पहले द टैटलर आया, ये चीज क्लियर करना होगा। लेकिन एक की डेट 1709 से 1711 और दूसरे की डेट 1711 से 1712 शायद, 1711 1712 ऐसी कुछ डेट करती उसकी है। अब दो जर्नल आया, इसका मतलब जो 18th सेंचुरी था, जिस 18th सेंचुरी के प्रोज की आप बात कर रहे हैं, वह 18th सेंचुरी किसके किसके लिए फेमस रहा, जर्नल्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि इस सब में जितने भी लोगों की बात की गई है वो केवल और केवल किसकी बात की गई है, मिडिल क्लास की बात की गई है। तो द एज वॉज फेमस फॉर वॉट, द एज वॉज फेमस फॉर जर्नल्स, द एज वॉज फेमस फॉर मैगजीन्स, द एज वॉज फेमस फॉर यू कैन से न्यूज पेपर्स, पीरियोडिकल ऐसे के लिए फेमस रहा, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास के लिए फेमस रहा है। उसके अलावा अगर और किसी चीज के लिए फेमस था तो दैट वॉज वॉट, दैट वॉज अ पीरियोडिकल ऐसे, काफी हाउस, इन सब का। और जो ऐसे है, जो पीरियोडिकल ऐसे था, इट पब्लिश्ड ईदर वीकली और बाई मंथली और मंथली, राइट टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऐसे पब्लिश होते थे उस समय के जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते थे, या तो बाई मंथली पब्लिश होते थे, या तो मंथली पब्लिश होते थे, या तो वीकली पब्लिश होते थे, इधर पब्लिश वीकली, बाई मंथली और मंथली, और कई जर्नल, उसके बाद का सिलसिला पूरा शुरू हो जाता है, तमाम जर्नल्स निकाले गए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बाद में दो जर्नल निकाला था, द आइडलर एंड द रैमुलर करके, बीच में जोनाथन स्विफ्ट भी आते हैं, उनका भी जर्नल निकलता है, पर उन पर बाद में बात की जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन ने जो उस समय की नब्ज थी उसको पकड़ा, उन्होंने नब्ज को टटोला और ये देखने की कोशिश की कि जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं इस परिवर्तन के दौर में। तब उन्होंने देखा कि अब जो राजाओं का समय था, जो रानियों का समय था, वो थोड़ा सा खत्म हो रहा है। मिडिल क्लास से तमाम बिजनेसमैन, मिडिल क्लास से तमाम आप कह सकते हैं कि पैसे वाले रसूखदार आदमी जिसको कहा जाता है, वो आ रहे थे और वे राइटर्स को संरक्षण दे रहे थे। दे वर वर्किंग एज पेटन, वे किसके रूप में काम कर रहे थे, पेटन के रूप में, PATRON, दे हैव बीन वर्किंग एज पेटन, वे पेटन के रूप में काम कर रहे थे। अब जब वे पेटन के रूप में काम कर रहे थे, तमाम लोगों को उसका आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस पता ही है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी कलम राजाओं के बारे में नहीं चलाई, रानियों के बारे में नहीं लिखा, किसी कोर्टियर्स के बारे में, लैंडलॉर्ड्स के बारे में, उनके बारे में नहीं लिखा। हाँ, इन्होंने क्या किया कि जो भी लिखा मिडिल क्लास में जो लोग भी आते थे, इन सब के बारे में लिखा। उसी की एक झलक आपको एक ऐसे जिसका नाम द स्पेक्टेटर क्लब है वहां पे देखने को मिलेगी। द स्पेक्टेटर क्लब इज अ ब्यूटीफुल ऐसे रिटन बाय रिचर्ड स्टील, रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया है, और इस ऐसे में यू फाइंड सिक्स कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, 6 कैरेक्टर्स। यू फाइंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, यू फाइंड 6 कैरेक्टर्स। यू विल कम टू नो ये जो 6 कैरेक्टर्स है, ये 6 कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो दे आर द दे बिलोंग टू मिडिल क्लास एंड रिप्रेजेंट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास। 6 कैरेक्टर है और 6 कैरेक्टर मिडिल क्लास की डिफरेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से एक कैरेक्टर है सर राजा डी कावरली, सर राजा डी कावरली, और सर राजा डी कावरली के ऊपर जोसेफ एडिशन ने बहुत कुछ लिखा भी, कावरली पेपर्स करके उनका पूरा कलेक्शन ऑफ एसेज है उस पे लिखा है, और हो सकता है एक ऐसे मैं आपको पढ़ाऊं भी कि सर राजर एट होम करके, बड़ा फेमस ऐसे कई बार आया हुआ है। तो ये चीज जो समझना है कि इस ऐसे में कोई हमें ऐसी कहानी नहीं मिलती है जैसे कि
हम ये कह सके कि वी कम टू नो अबाउट फेरीज, वी कम टू नो अबाउट लायन लार्ड, नो शिवेलरिक रोमांस, नो एडवेंचर, नो हीरोज लाइक जस्ट यू फाइंड इन अदर स्टोरीज, नो नॉट एट ऑल, बट यू फाइंड मेन एंड माइनर्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जो मेन है, जो माइनर है, जो उनका रहने का सलीका है, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, 18वीं शताब्दी में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, ये तमाम चीजें आपको एक जगह देखने को मिलेगी। और वह कौन सी जगह है? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप 6 आदमियों को बात करते हैं तो उस 6ों का कैरेक्टर का नाम जरूर पता होना चाहिए। हाउ मेनी कैरेक्टर देर आर? देर आर 6 कैरेक्टर्स इन विच एसेस इन रिचर्ड स्टील्स द स्पेक्टेटर क्लब। पहला कैरेक्टर कौन है? सर राजर डी कावरली। सर राजर डी कावरली कौन है? सर राजर डी कावरली इज अ स्क्वायर, वो स्क्वायर है, SQUIRE। स्क्वायर कौन होता है? आप कह सकते हैं कि प्रधानपति, गांव का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है स्क्वायर, या जो है आप ये कह सकते हैं कि जो वो है जो गांव का मुखिया है उसको कहा जाता है। तो व्हाट यू फाइंड दैट कि स्क्वायर है, कौन स्क्वायर है? सर राजा डी कावरली। एंड यू विल कम टू नो कि सर राजा डी कावरली हैज प्रेजेंटेड, व्हाट ही हैज प्रेजेंटेड, नॉट ही हैज बीन प्रेजेंटेड, उनको दिखाया गया कि बहुत ही लिबरल है, बहुत ही जिनरस है और बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑब्जर्विंग पर्सन है। वे वो गांव के मुखिया तो है ही है, बड़े काश्तकार जिसको कहा जाता है, एक तरह से कहा जाए लैंडलॉर्ड जैसे है, लैंडलॉर्ड की तरह है। और जो सर राजा डी कावरली है, उनके अपने लोग, उनके अंडर में जो लोग भी काम करते हैं वे सब बहुत उनसे खुश रहते हैं, दे आर मच हैप्पी, दे आर मच हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं। और उनके घर में जो किराए पे रहते हैं या खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं वे बहुत खुश रहते हैं। तो मिडिल एज के इंग्लैंड में, मिडिल क्लास में, सॉरी मिडिल एज का इंग्लैंड नहीं, 18th सेंचुरी इंग्लैंड जो है, जो 18वीं शताब्दी का इंग्लैंड है, उस इंग्लैंड में जब आप मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वहां पर एक आपको ऐसा मुखिया नजर आता है जो बहुत ही केयरिंग है, जिनरस है, काइंड हार्टेड है, बेनिवोलेंट है एंड बिलव्ड ऑफ एवरीवन, और जो हर आदमी के काफी प्रिय है। नाउ ये सब उस समय के समाज को दिखाता है कि, और एक आईना दिखाता है कि मिडिल क्लास जो उस समय का था वो कैसे था, और सर राजा डी कावरली का नेचर क्या था, उनका पोशाक, उनका पहनना, उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे थे उनको कैसे ट्रीट करते हैं। कभी कभार जो है सर राजा डी कावरली को एक आध अकेजन पे गुस्सा भी आया था और उन्होंने एक आध आदमी को काफी पीटा भी था, कुछ उस आदमी ने एब्यूजिव वर्ड यूज किया था। तो ये सब चीजें बताती है कि सर राजा डी कावरली जो कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लैंडलॉर्ड जैसे हैं, मुखिया है, लेकिन काफी जिम्मेदार है। तो इंग्लैंड में एक तब्दीली आ रही थी, जो गुलामी का दौर था, मिडिल क्लास में अगर आप देखेंगे कि जो लोग खेतों में काम करते थे कोई फ्रीडम नहीं थी, लैंडलॉर्ड्स बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही श्रीड होते थे और बहुत ही ज्यादा मोनोपोली उनकी होती थी, डिक्टेटरशिप नजर आता था, वैसा कुछ यहाँ पे नजर नहीं आता है। एक और चीज सर राजा डी कावरली के बारे में बात की जाती है, जब सर राजा एट होम आप ऐसे पढ़ेंगे जो जोजफ एडिशन का है, उसमें उनका नेचर ही दिखाया गया कि सर राजर जो है वो आपके अपने गांव में है, गांव का जो चर्च है उसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के चैपलेन के ऊपर है, लेकिन उनकी चैपलेन से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो दो गुरु हुआ करते थे, एक तो धार्मिक गुरु जिसे आप बिशप कहते हैं, और साथ ही साथ सर राजर जो वहां के अगर कहा जाए कि एक पॉलिटिकल सिंबल थे, उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और गांव के विकास के लिए दे आर ऑलवेज रेडी, सच अ थिंग वी फाइंड। तो एक तो पॉइंट आपको किसका ध्यान में रखना, सर राजा डी कावरली की हम्बल, जिनरस, काइंड हार्टेड, बेनिवोलेंट, ऑल द पीपल हु आर लिविंग, ऑल द पीपल हु आर लिविंग अंडर उनके अपने सुपर मीन्स नोबल गाइडेंस, दे आर मच हैप्पी, दे डोंट कॉल हिम टेकिंग हिज नेम, बहुत सम्मान उनको देते थे उनके लोग।
उसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड। सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड बिजनेसमैन, ये ऐसे आप पढ़े हुए, मैं केवल आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये चीजें ध्यान में रखना। सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड एक बिजनेसमैन है। तो जो मिडिल क्लास है, मैंने बताया था कि इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास और बिजनेसमैन वहीं से आ रहे थे, तो ये जो सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड है ये उसी मिडिल क्लास से आने वाले बिजनेसमैन है। सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड का ये कहना था कि अगर हमें कहीं पर किसी वतन पर कोई चीज जीतना है, किसी वतन को अगर अपने बस में करना है, काबू में करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम स्क्वाड के माध्यम से, आर्मीज के माध्यम से, फोर्स का यूज करके कि हम उस वतन को जीतेंगे। नो नॉट एट ऑल। उनका विश्वास था कि आप उस चीज को कैसे जीत सकते हैं, यू कैन जस्ट विन दैट नेशन बाई establishing योर बिजनेस, वहां पे अपना बिजनेस establish करके। तो जब आप उसको जीतेंगे तो ये एक बड़ी चीज होगी, वहां की कल्चर को बदल करके, वहां की और तमाम चीजों को। तो वो बिजनेसमैन भी है, और उनका एक जो माइंड है वह इंडिकेट कर रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के समय में बनी थी, तो क्वीन एलिजाबेथ के समय वह कंपनी जो आई थी बिजनेसमैन की थी। बाद में उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को जीता। बाद में उन्होंने जो है तमाम तरह की सिचुएशंस को, तमाम तरह की चीजों को उन्होंने वहां पे क्रिएट किया। तो दीज आर द पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि वही मेंटेलिटी सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड की है। सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड एक और बात कहते हैं, उनका यह कहना था कि हमें पैसे को बचाना चाहिए। अगर आपने एक पैसे को बचाया तो इसका मतलब एक पैसा कमाया, तो सेविंग, मिडिल क्लास के लोगों की मेंटेलिटी जो थी उस समय की, सेविंग करना है, बचाने की प्रवृत्ति, क्योंकि हाथ खुला नहीं रखना चाहिए, ये चीज किसका था, सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड का। दो बातें, सर एंड्रयू फ्रीफोर्ड इज द बिजनेसमैन जिनका कहना है कि वी मस्ट सेव अ पेनी, सेविंग अ पेनी, पेनी मीन्स टू गेट अ पेनी। अगर आपने एक पेनी को बचाया, पेनी मेरे पैसा सिक्का, अगर आपने एक पैसे को बचाया तो एक पैसा आपने कमाया, इस तरह की चीजें भी हमें क्या होती नजर आती है। तो अदर पॉइंट इज वॉट, अदर पॉइंट यू विल कम टू नो। दूसरा चीज उनका यह कहना है कि आपको अपना बिजनेस दूसरे देश में इस्टेब्लिश करना चाहिए। डोंट थिंक कि दैट यू कैन विन एनी नेशन ओनली बाय यूजिंग फोर्सेस, आर्मी, बाय यूजिंग स्वॉर्ड। नो, नॉट एट ऑल। इफ यू वांट टू विन एनी नेशन परमानेंटली, अगर आप किसी नेशन को परमानेंटली जीतना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां की कल्चर को बदलना पड़ेगा, वहां की सोच को बदलना पड़ेगा, वहां के लोगों की मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। ये बात आती है। जो तीसरे कैरेक्टर है, एक है कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री जो है, कैप्टन है, जैसा नाम से ही पता चला, आर्मी पर्सन है, और वो उस समय की चीजों का उल्लेख करते हैं कि कैप्टन सेंट्री ने काफी काम किया, पूरे राष्ट्र की सेवा की, देश की सेवा की, लेकिन उस समय के वो भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं कि कैसे करप्शन रहा है उस समय के, जो आप कह सकते हैं कि जो आर्मीज थी या एक तरह से जो क्लेरिकल स्टाफ उस समय का था, वहां पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि करप्ट पीपल वर फाउंड देयर, वहां पे करप्ट पीपल को देखा जा सकता है, दे वर फाउंड, वहां पे वो नजर आते हैं। और वो कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि मैं चाहता था कि मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे नजरअंदाज करके मुझसे नीचे रैंक वाले को प्रमोशन दे दिया गया। तो ये जो प्रमोशन की बात है, ये आज भी आप देखेंगे कि इवन इन आर ओन नेशन की कैसे ये चीजें नजर आती है कि जिसकी पकड़ है, दोज हु आर इन पावर, दोज हु आर इन गवर्नमेंट, या इफ यू हैव मनी यू कैन डू इट। मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ कर सकते, लेकिन एक ऐसा एक एटमोसफियर क्रिएट किया गया है कि जहाँ पे इस तरह की चीजें नजर आती है, वी सी इवन वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कैप्टन सेंट्री का जो कंप्लेन है वह बहुत जायज है। वो जायज क्यों है कि आर्मी पर्सन होने के बाद, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद, और जो कहा जाता है कि ही सर्व द नेशन, ही सर्व द पीपल, तो ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह की बातें होती है तो वह जो है इस तरह से बहुत ही मिजरेबल, पिटिएबल सिचुएशन होता है, एक आम आदमी की बात ही समझा जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं था कि मिडिल क्लास का, 18वीं सेंचुरी का जो इंग्लैंड था वह एकदम बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई समस्या नहीं थी। नो, नॉट एट ऑल। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, लोगों के पीछे चलने वाले, पैसे वाले, रसूखदार लोग थोड़ा सा, कम रैंक वाले भी बड़े ओहदे पर चले गए। तो इस तरह से जो है उन्होंने किया। फिर कैप्टन सेंट्री ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, चीजें छोड़ दी। ये कंप्लेन कैप्टन सेंट्री की है।
एक जो है कैरेक्टर है स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है उन्होंने तो लॉ की डिग्री ली है लेकिन उनका लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका पूरा इंटरेस्ट लिटरेचर में है। और वो इतने ज्यादा शार्प माइंडेड थे कि जब वो कहीं थिएटर में जाते थे तो थिएटर का जिक्र किया गया, अगर वो कहीं थिएटर में जाते थे और कोई कैरेक्टर अगर कोई रोल परफॉर्म करता था और स्टूडेंट ऑफ लॉ को अगर देखता था तो वह बिल्कुल कॉन्शस हो जाता था और बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करता था। वह सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे कोई गड़बड़ी हो जाए और हम जो है क्या हो कि बिल्कुल चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो जो स्टूडेंट ऑफ लॉ थे लेकिन उनके अंदर जो है टैलेंट क्या था, लिटरेचर का था। ही वॉज मच फैसिनेट, सेम आप जॉन गाल्स वर्दी समझ सकते हैं। गाल्स वर्दी ने लॉ में डिग्री ली लेकिन काम उनका कहाँ पर हुआ था, लिटरेचर में, नोबल प्राइज तक उनको मिला। द सेम थिंग वी फाइंड हियर, ये कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं कि कोई बड़े राइटर थे या वो उस समय के मिडिल क्लास में एक ऐसा कैरेक्टर नजर आता है कि हु ही गॉट द डिग्री ऑफ लॉ बट मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड वेन ही गॉट अ सीट इन थिएटर एनी पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज ही बिकेम कॉन्शियस इफ द स्टूडेंट ऑफ लॉ वाज सिटिंग बिफोर हिम। वो अपने रोल को लेकर के काफी कॉन्शियस हो जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन में है। एक कैरेक्टर है विल हनी कोम, विल हनी कोम, जो विल हनी कोम है वो फैशनेबल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, अ मैन ऑफ फैशन है, फैशन की दुनिया से बिलोंग करते हैं, बहुत कुछ नया करते हैं और कहीं पे कोई भी फैशन होगा तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा नया फैशन आया, किस राजा के दरबार में कौन सा फैशन था। तो वो ये भी बताते हैं कि मिडिल क्लास का जो लोग है उनमें से एक ऐसे भी लोग थे जो काफी ज्यादा फैसिनेट थे फैशन के प्रति, कोई भी नई चीज आती थी सबसे पहले उसको अप्लाई करते थे, अपने खुद फॉलो करते थे। तो विल हनीको वो फैशनेबल मैन थे और काफी ज्यादा वो औरतों के बीच में लोकप्रिय थे और वो औरतों को बताते थे कि कौन सा फैशन किस जमाने में था, कैसे क्या किया जाए कि काफी आदमी स्मार्ट दिखाई पड़ेगा, ये चीजें थी। तो ही वॉज मच पॉपुलर एमंग वीमेन उस समाज की। लास्ट कैरेक्टर क्लर्जी मैन है, CLERGYMAN, जो क्लर्जी मैन है वो काफी रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है और उनकी जिम्मेदारी उनके नाम से पता चलता है कि जस्ट लाइक बिशप के राइट थे। उनका काम प्रीचिंग का होता था, जब वो आते थे तो जहां भी आते थे सब लोग शांत हो जाते थे और सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे और उनका एक काम था कि टू अपलिफ्ट द मॉरल स्टेटस और लोगों की के अंदर गुडनेस को बढ़ावा देना, वर्च्यू को बढ़ावा देना, धार्मिक जो चीजें थी उसके बारे में बात करना, धार्मिक चीजों को बतलाना, धार्मिक चीजों के बारे में बात करना, ये सब चीजें उनका काम होता था। तो बहुत खूबसूरत ढंग से क्लर्जी मैन का जिक्र किया गया कि सबसे रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर थे और उनका काम था प्रीचिंग का काम, जस्ट टू इंस्ट्रक्ट, जस्ट टू टेल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, इस तरह से वो लोगों को क्या करते थे बताते थे। तो इन दिस वे ये पूरा एक तरह से इफ यू फाइंड इट्स द आर्ट गैलरी इन विच सिक्स कैरेक्टर्स हैव बीन पोर्ट्रेट, जैसे कैंटरबरी टेल्स में 29 कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट किया गया, वैसे यू यू फाइंड दैट कि हियर इज व्हाट हियर आर द सिक्स कैरेक्टर्स एंड दिस सिक्स कैरेक्टर्स हैव बीन पोर्ट्रेट, सर राजा डी कावरली, कैप्टन सेंट्री, सर एंड्री फ्रीपोर्ट, विल हनी कोम और क्लर्जी मैन। तो ये उनका नेचर था, उनका मैनर था, मिडिल क्लास के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में बात की गई है। सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी, तमाम तरह की चीजों को क्या किया गया यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो नाउ कंक्लूडिंग, आज मैं इतना ही रखूंगा। कल मैं ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसी टाइम, लेकिन कल मोस्ट प्रोबेबली आई विल मीट यू एट 4:30 और 4 PM, 4:30 के आसपास कल मैं आपको अगला ऐसे अगली चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा इस तरह की। ओके, थैंक यू।